अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज के मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 12 चैप्टर नंबर 5 में खुश आमदीद कहता हूँ। एक्चुअली आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि चैप्टर नंबर 5 की ही का टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। हमें ये चीज़ तो पता है कि हम कंप्यूटर, मतलब जब भी हम कंप्यूटर लेते हैं तो हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि कंप्यूटर कितना तेज़ चलेगा। ये चीज़ हम देखते हैं, हम कोर के लिहाज से, हम माइक्रो प्रोसेसर के लिहाज से उसको देखते हैं। लेकिन एक और चीज़ भी होती है कि हमें ये चीज़ भी पता होना चाहिए कि उस कंप्यूटर के अंदर जितने भी आपकी जो ड्राइव्स लगी हुई हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उसको कैसे मैयर की जा सकती है, कैसे मैयर की जाती है। और उसमें हम ये भी साथ देखेंगे कि हम बेसिकली उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ड्राइव्स की परफॉर्मेंस को। तो एक बहुत ही एक दो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को जिसकी बेसिस पे, मतलब दो किस्म के एक परफॉर्मेंस मैयर्स हैं, हम अब आज के लेक्चर में देखेंगे। एक तो एवरेज एक्सेस टाइम है और दूसरा जो सा है वो डाटा ट्रांसफर रेट है। तो आए चलते हैं इन 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 टॉपिक्स को ज़रा आप ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये है क्या चीज़। जब भी हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब एक किसी भी एक सिस्टम की, ओवरऑल एक सिस्टम की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं कि उसको कैसे मैयर किया जाए, तो सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट जो एक फैक्टर होता है कि उसकी स्पीड क्या है। ठीक है, उस कंप्यूटर की जो स्पीड क्या है। तो अगर स्पीड की हम बात करते हैं तो बेसिकली स्पीड है क्या। स्पीड बेसिकली अगर किसी भी कंप्यूटर की, अगर हम एक स्पीड की बात करते हैं कि वो पूरा जो कंप्यूटर है वो कितनी जल्दी कौन से प्रोसेसर को यूज़ करते हुए परफॉर्मेंस देता है, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। और जहाँ तक जैसे मैंने आपको बताया कि हम अगर हम ड्राइव्स की अगर बात करते हैं, हार्ड ड्राइव हो गया, सीडी ड्राइव हो गया, फ्लॉपी ड्राइव हो गया, हम इसकी अगर बात करते हैं तो इसकी अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कितने स्पीड से जो कंप्यूटर की जो डिस्क ड्राइव्स हैं उसने ऑपरेट किया। ठीक है, कि कितनी अच्छी तरीके से और कितनी तेजी से उन ड्राइव्स ने परफॉर्मेंस दी, कितनी तेजी से उसने परफॉर्मेंस। अगर हम इनकी अगर मैयरमेंट की बात करते हैं कि इन ड्राइव की परफॉर्मेंस की, जनरली तौर पे अगर हम इसकी मैयरमेंट की बात करते हैं तो इनको हार्ड डिस्क की बुनियाद पे, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की बुनियाद पे इसको मैयर किया जाता है, इसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, हम कैसे मैयरमेंट करते हैं, तो हम जब भी मैयरमेंट की बात करते हैं तो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की मैयरमेंट की बात करते हैं। तो हमारे पास हार्ड डिस्क के अलावा भी, मतलब सिर्फ एक हार्ड डिस्क को ही देखते हुए हम उसकी परफॉर्मेंस या मैयरमेंट की बात नहीं करते, हमारे पास बाकी दो भी, आपके पास ड्राइव मौजूद है जिसमें एक सीडी रोम भी है और एक फ्लॉपी ड्राइव भी है, हम उसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। जहाँ तक इनकी, इन स्टोरेज डिवाइसेस की परफॉर्मेंस को एवेलुएट करने का तरीक़ेकार को अगर हम देखते हैं, इनकी परफॉर्मेंस की को एवेलुएट करने की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास बेसिकली दो किस्म की कॉमन मेजरमेंट्स हैं कि जिसकी बेसिस पे हम परफॉर्मेंस को मैयर करते हैं। एक तो हमारे पास एवरेज एक्सेस टाइम है, ठीक है, और दूसरा जो सा है वो डाटा ट्रांसफर रेट है।
जहां तक रैंडम एक्सेस डिवाइसेस की बात करते हैं, रैंडम एक्सेस, आप ये सोच रहे हो कि यार ये रैंडम एक्सेस डिवाइसेस कौन सी होती हैं, तो वो तमाम डिवाइसेस जो हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैग्नेटिक टेप्स का अमल दखल है और सॉलिड स्टेट डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों की, इनको देखते हुए, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस और मैग्नेटिक टेप बेस्ड ड्राइव्स की अगर हम बात करते हैं, तो हम अगर एक्सेस, एवरेज एक्सेस ड्राइव की बात करते हैं, तो जितना लो होगा उतना अच्छा हो, ठीक है। मतलब अगर हम दोनों को मेजरमेंट की बात करते हैं, हमारे पास दो चीज़ें हैं कॉमन मेजरमेंट्स में, वो एक एक जोन सी है वो एवरेज एक्सेस टाइम है, और दूसरी जोन सी है वो डेटा ट्रांसफर रेट। तो जहाँ तक एवरेज एक्सेस टाइम की अगर बात करते हैं, तो जितना लो होगा उतना ही अच्छा होगा। मैं उसकी तरफ आता हूँ कि यार बेसिकली एवरेज एक्सेस टाइम है क्या, ठीक है। नाम से थोड़ा सा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा कि ये क्या चीज़ है। और दूसरा, अगर डाटा ट्रांसफर रेट की बात करते हैं, तो जितना हाई आपका डाटा ट्रांसफर रेट होगा उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि जो आपकी जो से टेप ड्राइव्स हैं, जहाँ पे आपकी टेप यूज होती है, मैग्नेटिक टेप यूज होती है, वो स्लो होती हैं। हम यहाँ से भी इसको देखा, मतलब हमें पता चल गया है कि मैग्नेटिक टेप किस में यूज होती है, ऑप्टिक टेक्नोलॉजी किस में यूज होती है, और सॉलिड स्टेट डिवाइसेस की अगर हम बात करते हैं, तो अगर अभी तक हमने चीज़ें देखी हैं, तो हमें उससे भी थोड़ा सा बहुत अंदाज़ा हो रहा है कि किसका एक्सेस टाइम अच्छा होगा, किसका एक्सेस टाइम बुरा होगा, या किसका डेटा ट्रांसफर रेट अच्छा होगा और किसका डेटा ट्रांसफर रेट बुरा होगा। तो अगर जहाँ तक आपका टेप ड्राइव की अगर बात करते हैं, तो उनकी हमेशा जो सी जो आपकी जो मेजरमेंट्स होती हैं वो स्लो होती हैं। जो टेप ड्राइव्स होती हैं वो हमेशा स्लो होती हैं एज कम्पेयर टू बाकी जैसे स्टोरेज डिवाइसेस की है, लेकिन इनकी जो कन्वीनियंस है और कैपेसिटी है वो बेस्ट परफॉर्मेंसेस हैं, बेस्ट मेजरमेंट परफॉर्मेंस है। यानी अगर आप इसको एक्सेस टाइम के अलावा, एक्सेस टाइम को साइड पे छोड़ते हैं, डेटा ट्रांसफर रेट को साइड पे छोड़ते हैं, तो इनको मैग्नेटिक टेप्स को कैपेसिटी के लिहाज से, कन्वीनियंस के लिहाज से बहुत अच्छा समझा जाता है, परफॉर्मेंस के लिहाज से कि बहुत कन्वीनियंट है, और इनकी जो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी जो सी है वो बहुत अच्छी है। तो इनकी बेसिस पे इनको कहते हैं कि यार ये बहुत अच्छी मेजरमेंट्स हैं परफॉर्मेंस के लिहाज से। जहाँ तक सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का ताल्लुक है, तो आप अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि ये मूवेबल पंप कंपोनेंट्स नहीं यूज करते, तो इनका जो टिपिकली जो एक्सेस और ट्रांसफर रेट है, ट्रांसफर डेटा रेट है, आर मच मोर रैपिडली, ठीक है। इनका जो ट्रांसफर रेट है बहुत रैपिडली है एज कम्पेयर टू बाकी जो अभी जो स्टोरेज डिवाइसेस है। तो अगेन इनमें भी ये चीज़ कंसर्न रखा जाता है कि इनकी कन्वीनियंस और कैपेसिटी कितनी अच्छी है, अगर हम इसको इन दोनों चीज़ों के अलावा भी इसको एवलेट करना चाहें। यानी अगर हम, तो यहाँ तक अगर आपको, मतलब अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक टेप की, तो उनकी एक्सेस टाइम और जो आपका जो डाटा ट्रांसफर रेट वो इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन उनकी जो कैपेसिटी और कन्वीनियंस को की बेस पे आप उसको मैयर कर सकते हैं, उनकी चीज़ें कन्वीनियंस और कैपेसिटी जो वो अच्छी होती है। जहाँ तक सॉलिड स्टेट डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, तो उनका एक्सेस टाइम और जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो एज कम्पेयर टू बाकी जो मैग्नेटिक टेप्स ऑप्टिकल है उनका अच्छा होता है, क्योंकि ये मूवेबल नहीं है। यह चीज़ हमने पिछले लेक्चर में अच्छी तरह देख भी रही है, लेकिन फिर भी इनको कन्वीनियंस और कैपेसिटी के लिहाज से भी इसको मेजर किया जाता है, एवलुएट किया जाता है। तो इन, अब हम ये सोच रहे होंगे कि यार ये बेसिकली जो एक्सेस टाइम है, एवरेज एक्सेस टाइम है, और जो आपका डाटा ट्रांसफर रेट है, ये क्या चीज़ है, क्यों क्यों मतलब क्यों हम देखते हैं। तो हम जो एक कंप्यूटर बाय करने वाला होता है, जब हम कंप्यूटर बाय करने जाते हैं, तो इन 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 परफॉर्मेंस को बहुत कंसर्न होता है कि हम इसको, दीज परफॉर्मेंस फैक्टर्स कैन बी इम्पोर्टेंट, ठीक है। इनको बहुत इम्पोर्टेंट रखा जाता है जब भी हम कोई भी कंप्यूटर बाय करना चाह रहे हो, या हम अपने ही कंप्यूटर को अपग्रेड करना चाह रहे हो। जब हम अपग्रेड करने की बात करते हैं, तो हम इन चीज़ों को, ऐसी चीज़ें इसमें अपग्रेड करना चाहेंगे कि जिनकी बेसिस पे हमारा एक्सेस टाइम और डेटा ट्रांसफर रेट अच्छा हो। तो हम
इस चीज की छोटी देखेंगे कि यार हम अगर ड्राइव को अगर हम जो कंप्यूटर बाय करते हैं तो हम ये लाजमी ही चेक करेंगे कि यार आया जो ड्राइव्स हम जो यूज़ करेंगे जो यूज़ होंगी इन इन न्यू पीसीस में ये अपडेट करेंगे तो जो इनकी जो स्पीड होगी अब जिसकी बेसिस पे ये ऑपरेट हो रही होंगी कि वो कितनी अच्छी है, वो कितने कैपेबल हैं कि वो अब स्पीड दिखा सकें। इसके अलावा हम ये चीज़ भी देखेंगे कि हम ये भी मेक श्योर करेंगे कि इसके जो इंटरफेस है ड्राइव का जो इंटरफेस है वो इतना कैपेबल है कि यानी फ्रंट हैंड इंटरफेस अगर हम बात करते हैं कि कि हम मजीद मतलब जैसे अपग्रेडेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक तो ये चीज़ हम देखेंगे कि हमारे जो जो हम नए कंप्यूटर ये अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो हम ये चीज़ देखेंगे कि आया हम जो चीज़ अपग्रेड करना चाह रहे हैं या हम कोई नया पीसी खरीदने जा रहे हैं तो इनमें जो ड्राइव्स हैं आया जिस लेवल तक एवरेज एक्सेस टाइम में मांगता हूँ जिस लेवल तक हम डेटा ट्रांसफर में मांगता हूँ वो इस चीज़ में वो मौजूद है ड्राइव्स का। इसके अलावा हम ये चीज़ भी देखेंगे प्लस कि आया हम इसमें मजीद अपग्रेडेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ हम परचेज नहीं करेंगे कि इसको हम प्लग इन प्ले या हम नई चीज़ें उसमें ऐड ना कर सकें, तो हम कोशिश करें कि हम उसको अवॉइड करें। तो जब भी न्यू डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर्स होते हैं तो उसमें ये अपग्रेडेशन की सहूलत मौजूद होती है कि हम जो भी करना चाह रहे हों वो ये दोनों चीज़ें उसमें हों कि आया वो हमारे उस लेवल तक हो जो हम चाह रहे हों स्पेसिफिकेशन में, और दूसरे ये कि हम उसको फ्यूचर में हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अब अगर हम ड्राइव परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यार एवरेज एक्सेस टाइम को थोड़ा और मजीद देख लेते हैं कि यार एवरेज एक्सेस टाइम है क्या। ठीक है, एवरेज एक्सेस टाइम की अगर हम बात करते हैं मैंने आपको पहले बताया कि कुछ अगर हम डिवाइसेस की बात करते हैं तो उसमें एवरेज एक्सेस टाइम इतना अच्छा नहीं होता, बिल्ड इन उनकी कंपोनेंट्स ये ऐसी हैं जिसकी बेसिस हम कह सकते हैं कि यार इसका जो एक्सेस टाइम है वो नहीं इतना अच्छा नहीं है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि बेसिकली एवरेज एक्सेस टाइम होता क्या है। किसी भी एक स्टोरेज डिवाइसेस के लिए जो एवरेज एक्सेस टाइम होता है जिसको हम सीक टाइम भी कहते हैं, ये एक ऐसी एक ऐसी क्वांटिटी ऑफ टाइम है यानी हम कह गए कि इतना टाइम होता है जिसकी बेसिस पे जो कोई भी एक ड्राइव है वो अपने रीड या राइट हेड को मूव करता है ऐसे स्पॉट पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इस तरह अगर एक्सप्लेन करूं कि मेरे एक 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 ड्राइव है उसकी एक प्लेटर है या उसकी एक सिंपल एक डिस्क है उसके किसी खास ट्रैक के अंदर एक खास सेक्टर के अंदर या ट्रैक के अंदर एक सेक्टर है, सेक्टर के अंदर एक डाटा है, उस डाटा के अंदर कहीं पे एक बी लिखा हुआ। ठीक है, तो मेरा जो हेड है जिसको मैं कमांड देता हूँ कि जाके बी ढूंढो फलां डिस्क के फलां ट्रैक के फलां जो सा आपका जो सा वो क्या कहते हैं जो सेक्टर है उसके अंदर एक बी लिखा हुआ है उसको उधर ट्रेस करके बताओ कि वो कहाँ पे लिखा हुआ, उसकी तरफ एक्सेस करो। जो जितना तेजी से वो उसको हेड मूव करके वो उसके पास जाके उसको एक्सेस करता है ये वहां पे, या मैं कह दूं कि वहां पे एक एड्रेस है जहां पे तुमने बी लिखना है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक एवरेज उसका एक यानी उसको कहते हैं ये एक एक्सेस टाइम। ठीक है, तो क्या चीज है कि वो टाइम जिसकी बेसिस पे किसी भी डिवाइस का एक जो हेड होता है रीड या राइट जो से हेड होता है वो उस स्पॉट की तरफ जाता है जहां पे वो मतलब का जो डाटा मौजूद है, तो दैट इज एक्सेस टाइम, कितनी तेजी से उसके वो एक्सेस करता है। तो अगर हम इसको मैयर करना चाहते हैं कि कितना तेजी से उस किसी भी डाटा को एक्सेस करता है तो ये वेरी करेगा हर एक डिवाइस पे, ये वेरी करता जाएगा, इन टाइम डिफरेंट हो सकता है। ठीक है,
किसी कुछ में सेंसर लगे होते हैं, कुछ में हेड्स लगे होते हैं, हेड्स कुछ में साइज छोटा होता है, कुछ में बड़ा होता है, लेकिन डेटा कहाँ पड़ा हुआ है कहाँ नहीं है उस पर बेस करते हैं। तो इट्स टोटली जनरली इट्स वेरीज, ठीक है। हम कह सकते हैं कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है कि अगर हम मेजरमेंट की बात करते हैं कि और किसी एक एक्सेस की एवरेज मेजरमेंट की बात करते हैं एक्सेस टाइम्स की, तो एक एक बहुत से वेरिएशन उसके अंदर आएंगे कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि आपको जो हेड है वो कितनी कितना दूर लगा हुआ, ठीक है। तो अगर हम इसको इसी एक्सेस टाइम को एक इफेक्टिवली अगर इसको मैयर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, मतलब अगर आप एक कॉमन सेंस की चीज़ है कि आपका जो सा डाटा है वो किस कितने सेक्टर से, आपको पता चल गया कि आपके सेक्टर से और ट्रैक्स की तादाद जीरो से स्पेंडर जो सा आपके दरमियान में लगा तो उससे जीरो स्टार्ट होता है, उस तरह आगे दूर होता जाता तो ज़्यादा होता जाता। अगर फॉर एग्जाम्पल वो ट्रैक जो सा उसके जो ट्रैक है उसके जीरो के अंदर डाटा पड़ा तो जाहिर सी वो इतना आसानी से होगा। अब आपका अगर हेड दूर है तो जितने कर वो टाइम लगाएगा उसके डेफिनेटली इसमें वेरिएशंस आएंगी। लेकिन अगर हम इसको इफेक्टिवली इसको अगर मैयर करना चाहते हैं, ठीक है, कि हम कितनी कि हम देखना चाहते हैं कि हमारी जो ड्राइव की जो जो एवरेज एक्सेस टाइम है वो कितना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें कुछ टेस्ट जो उनसे हैं करने होंगे कि हम कुछ रीड्स के यानी कुछ डाटा को हम रीड का करना चाहते हैं उसके कुछ टेस्ट करने होंगे कि हम कोई भी रेंडमली कुछ जो सेक्टर्स हैं उसको चूज कर लें, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है इस मेथड के अंदर कि हम कुछ अप्रोक्सीमेशन हम कुछ अंदाजे लगाते हैं कि हमारा जैसा जो जो इंस्ट्रक्शन जो ड्राइव जो इंस्ट्रक्शन के जो 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 रीड करेगा वो कितने सेक्टर्स उसके साथ मौजूद होंगे और उनकी बेसिस पे हम उसके मुख्तलिफ उसके सरकमस्टांसिस में हम उसको देखते हुए हम देख सकते, यानी अगर हम कहेंगे कि यार इस सेक्टर पे चले जाओ इस सेक्टर पे जाओ, हम रेंडमली कोई भी चूज कर लेते, ठीक है, हम बैलेंस के तौर पे हम कुछ सेक्टर्स चूज कर लेते हैं उसको हम देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि वो कितनी तेजी से वो डाटा चूज करते हैं। हर दफा एक रैंडमली हम उसको कुछ सेक्टर देते हैं उसको कहते हैं यार इसको एक्सेस करो। तो जो एवरेज एक्सेस टाइम है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट है परफॉर्मेंस के लिहाज से किसी भी स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी डिवाइस के लिए, ठीक है। हमें ये भी पता है कि कुछ ऐसी मेमोरी डिवाइसेस हैं जो चिप्स हैं जो सॉलिड स्टेट्स में लगी होती हैं तो उसमें तो हेड्स और आपके जो सेंसर रीड राइट का वो होते ही नहीं। तो ये एक बहुत एक स्टिल इट इज़ वेरी क्रिटिकल कि हम ये देखते हैं कि मतलब अगर बेसिकली बेसिकली उसमें अगर रीड या राइट चीज़ नहीं हो लेकिन हम अगर इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी यूज़ करते हैं तो हमें फिर भी उसका एक्सेस एवरेज एक्सेस टाइम से हम उससे चेक करते हैं कि यार उसका एवरेज एक्सेस टाइम कितना अच्छा है। मेन चीज़ तो हमें ये नहीं कि यार उसमें हेड लगा हुआ है या उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगे हैं, हमारा मेन चीज़ ये है कि हमारा वो कितने तेजी से वो किसी भी स्पेसिफिक डाटा जो हम उसको कहते हैं उसको रीड या राइट करके दिखाओ तो वो कितनी तेजी से करता है कि कितनी तेजी से वो मेमोरी के अंदर घूमता रहता है, ठीक है, कि वो जो पीस ऑफ डाटा है उसको एक्सेस कर सके। जहाँ तक स्टोरेज डिवाइसेस की बात करते हैं तो एक्सेस टाइम को हम जो मेजर करते हैं तो वो मिली सेकेंड्स में करते हैं या 1000 ऑफ सेकेंड्स के अंदर हम करते हैं, और जहाँ तक मेमोरी डिवाइसेस का ताल्लुक है तो एक्सेस टाइम को नैनो सेकेंड्स में मैयर किया जाता है या 1 बिलियंस ऑफ सेकेंड्स के अंदर मैयर किया जाता है। अब अगर हम देखते हैं कि यार मुख्तलिफ ड्राइव्स की अगर हम बात करते हैं तो जहाँ तक डिस्क ड्राइव का ताल्लुक है मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो आपकी इन स्लाइड्स में मौजूद नहीं है, तो आप साथ साथ उसको राइट डाउन भी करते जाओ, ठीक है, मैं आपसे पूछ सकता हूँ। डिस्क ड्राइव की अगर जब हम बात करते हैं तो जो एक्सेस टाइम है वो बेसिकली दो दो फैक्टर्स के कम्बिनेशन पे मुश्तमिल है कि हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो आपका स्पीड है, ठीक है, तो जो स्पीड है कि स्पीड व्हाट इज द स्पीड
ये मैं आपको इसकी असाइनमेंट भी देख चुका हूँ कि उसमें हम आरपीएम को देखते हैं, ठीक है, कि जो जो डिस्क होती है वो कितनी तेजी से स्पिन करती है, जिसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट और आरपीएम। एक तो ये चीज़ है, दूसरी चीज़ ये है कि उस टाइम को देखा जाता है कि उस डिस्क ड्राइव के अंदर जो हेड है वो वन ट्रैक से, यानी एक ट्रैक से दूसरी ट्रैक की तरफ मुंतकिल होता है। तो ये दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हुए हम एक्सेस टाइम देखते हैं, चेक कर सकते हैं किसी भी डिस्क ड्राइव के अंदर। तो जो मैक्सिमम जो एक्सेस टाइम होता है डिस्क हिट्स के लिए, जो हम जिसका मतलब जो पिछली हमने जितनी भी जो ड्राइव्स देखी हैं, फ्लॉपी ड्राइव हो या कोई भी ड्राइव हो, तो वो 0.2 सेकेंड से 0.2 सेकेंड या इससे अबव होती है, या इसको हम 200 मिली सेकेंड्स भी कह सकते हैं। जहाँ तक एवरेज टाइम, एवरेज एक्सेस टाइम हार्ड ड्राइव्स की अगर हम बात करते हैं, तो वो भी वेरी करता है। लेकिन एक अगर अच्छी एक अच्छी एक हार्ड ड्राइव की अगर हम बात करते हैं कि इससे पहले मैंने आपको डिस्क ड्राइव की बात की, ठीक है, और अब मैं हार्ड ड्राइव की बात कर रहा हूँ। डिस्क ड्राइव में मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, हार्ड ड्राइव, हम स्पेसिफिक हार्ड ड्राइव की तरफ जा रहे हैं। तो एक अच्छी एक हार्ड ड्राइव होगी तो वो उसको कहेंगे कि उसका जो सबसे अच्छा जो एक्सेस रेट होना चाहिए वो 6 से तकरीबन 12 मिली सेकेंड्स तक होना चाहिए। जो यानी अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ है डिस्क हिट्स, जो पिछले सेक्शन में हमने देखा है, डिस्क हिट्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तेज़ है। कुछ ऐसी भी है, हाई परफॉर्मेंस की हार्ड डिस्क मौजूद हैं, जो जिनका जो सा एवरेज एक्सेस टाइम है वो 4 से तकरीबन 5 मिली सेकेंड्स तक भी है, ठीक है। जहाँ तक सीडी रोम ड्राइव की अगर बात करते हैं, तो उनका तकरीबन 80 से बहुत तेज है, बहुत ज्यादा स्लो है इनकी, 80 से तकरीबन 800 मिली सेकेंड्स तक एक्सेस टाइम मौजूद है, जो कि बहुत ज़्यादा ही स्लो है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क स्टैंडर्ड्स के मुकाबले में। जो सीडी रोम्स है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि 80 से 800 मिली सेकेंड्स है, जो हार्ड ड्राइव के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन कुछ ऐसी टेप ड्राइव्स हैं जिसमें मैग्नेटिक टेप्स यूज हुआ करती है, जिनका जो 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 सबसे ज़्यादा जो सा लॉन्गेस्ट जो सा एवरेज एक्सेस टाइम है, मतलब इसका अगर कहा जाए, मतलब इन जो मैग्नेटिक टेप्स हैं इनका जो सा एक्सेस टाइम है वो एज कम्पेयर टू सीडी रोम से भी ज़्यादा है। कुछ कुछ काफ़ी टाइम पे ऐसा होता है कि जो जिन पे मैग्नेटिक टेप होती है, क्योंकि वो मैग्नेटिक टेप को रीड करता है, उनका जो सा टाइम है वो सीडी रोम से भी ज़्यादा हो जाता है काफ़ी टाइम पे। अगेन इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द ड्राइव एंड फॉर्मेट यूज्ड। टेप ड्राइव जो सा है वो फ्यू सेकेंड से फ्यू मिनट्स तक लेके जा सकते हैं टू फाइंड अ स्पेसिफिक पीस ऑफ डाटा ऑन द टेप सर्विस, ठीक है। तो टेप ड्राइव को सही तरह हम मेयर नहीं कर सकते, कि मतलब एक स्टैंडर्ड नहीं बता सकते कि यार उसका जैसा सीडी रोम का 80 से 800 तक है, इसी तरह जो हार्ड ड्राइव्स का वो 6 से 12 है, और जो कुछ जगह पे 4 से 5 तक भी मिली सेकेंड्स तक भी चला गया है। तो टेप ड्राइव का एक खास एक स्टैंडर्ड एक नहीं है। अगर हम मतलब सबसे एक आसान तरीका ये है कि हम अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी ड्राइव का अगर एवरेज एक्सेस टाइम देखना चाहते हैं, तो हम उसकी मैन्युफैक्चर स्पेसिफिकेशन से भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके उसकी डिवाइस के ऊपर भी आपको लिखा हुआ होगा, या हम उसकी डिवाइस की जो वेबसाइट, जो उसको मुतलका जो वेबसाइट भी जो इसके साथ दी गई हो, अगर तो आप उसकी भी उस पर भी जा सकते हो कि उसके ऊपर भी आप प्रोडक्ट का मॉडल नंबर लिख दो, आपको उधर से भी पता चल सकता है कि कि उसका जो एवरेज एक्सेस टाइम है वो कितना अच्छा है। चलते हैं हम डेटा ट्रांसफर रेट की तरफ, कि बेसिकली जो से डेटा ट्रांसफर रेट है वो क्या चीज़ है।
जो ट्रांसफर रेट है एक अगेन एक एवरेज एक्सेस टाइम की तरह ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक मेजरमेंट है किसी भी ड्राइव को की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। हम ये भी चेक करते हैं कि यार उसका डाटा ट्रांसफर रेट क्या है। अब बेसिकली हमें ये पहले पता होना चाहिए कि यार डाटा ट्रांसफर रेट होता क्या है। तो ये एक ऐसी स्पीड है कि जिसकी बेस पे हम ये चेक करते हैं कि ये कितना टाइम लगाता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ डाटा को मुंतकिल करने में। ठीक है, अगर हम इसको इंग्लिश में कहें कि व्हाट इज डाटा ट्रांसफर रेट, द ट्रांसफर रेट इज अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर वन डिवाइस टू सेंड डाटा टू अनदर डिवाइस। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ, दोबारा बोलता हूं मैं, द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स वन वन डिवाइस टू सेंड डाटा टू अनदर डिवाइस। तो जो स्पीड होती है बेसिकली इसको हम रेट के तौर पे देखते हैं। जब भी हम स्पीड की बात करते हैं तो इसको मेजर किया जाता है रेट के ऊपर, या हम कहते हैं कि डाटा पर यूनिट ऑफ टाइम हम इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हम डाटा ट्रांसफर रेट को हम थ्रूपुट भी, हम किसी भी डिवाइस की अगर हम कहें, अगर कोई आपसे कहे कि यार इसका थ्रूपुट क्या है, तो थ्रूपुट भी डाटा ट्रांसफर रेट ही है। ठीक है, तो आप इस पे कंफ्यूज ना होना, थ्रूपुट और डाटा ट्रांसफर एक एक ही है। अगर हम कहेंगे यार इसका मेजर किया जाए कि थ्रूपुट कितना है, तो वो डाटा ट्रांसफर रेट को ही हम कह रहे हैं। एक जिनको हम सेकंड्स में भी मेजर कर सकते हैं, मिली सेकंड्स में भी मेजर किए जा सकते हैं, लेकिन अगेन जाहिर सी बात है हम किसको मेजर कर रहे हैं, डाटा को मेजर कर रहे हैं ट्रांसफर का। तो हम साथ ये भी बताते हैं कि यार इतनी सेकंड्स है और डाटा कितना है, वो केबीपी में भी हो सकता है, एमबीपी में भी हो सकता है, और या जीबी में भी हो सकता है। जिस तरह एक्सेस टाइम की बात करते हैं तो डाटा ट्रांसफर रेट भी इसमें भी वेरिएशंस आ सकती हैं। जाहिर सी बात है जब हर एक डिवाइस की एक स्पीड होती है कि जिसकी बेसिस पे हम उसके कंपोनेंट्स की बेसिस पे, उसके प्रोसेसर के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि उसकी जो जो एक थ्रूपुट है वो वेरी कर सकता है। ठीक है, अगर हम हार्ड डिस्क की अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो वो तकरीबन 15 MB पर सेकंड से, यानी अगर 15 मतलब अगर हम घर में जो हम जो हार्ड ड्राइव यूज करते हैं उनकी तकरीबन 15 MB से होती है, या अगर हम बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम डिवाइसेस की अगर हम बात करते हैं जो फास्टर ड्राइव्स होती हैं, फास्टर डिजाइन होती हैं, जो हाई परफॉर्मेंस वर्क स्टेशन और सर्वर्स के लिए यूज हो रही होती हैं, तो उनका जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो तकरीबन 80 MB पर सेकंड से, या 80 MBPS से तकरीबन लेके इससे हायर होता है। तो हम जब भी कोई हार्ड डिस्क बाय करते हैं तो हम एटलीस्ट उसकी दो चीज़ें हम लाजमी देखते हैं, एक तो डेटा ट्रांसफर रेट है और दूसरा जो सा वो एक्सेस टाइम। अगर हम सीडी रोम की बात करते हैं और डिस्कट्स की बात करते हैं, इन फ्लॉपी ड्राइव्स की बात करते हैं, तो इनका जो एक 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 स्लोएस्ट जो सी स्टोरेज डिवाइसेस हैं एज कम्पेयर टू हार्ड ड्राइव्स के, सीडी रोम का जो सा वो 3300 KB पर सेकंड से लेकर, अगर हम सिंगल सीडी रोम की अगर बात करते हैं, या अगर हम डबल स्पीड प्लेयर टू अगर हम इससे ज़्यादा नहीं जिसमें मोर देन वन सीडी प्लेयर हो, तो उसमें 900 KB PS तक हो सकती हैं, जिसमें 6 ड्राइव्स हो, और इससे भी ज़्यादा आपकी उसमें हो सकती हैं। जो डिस्क्रीट जो ड्राइव्स हैं, जो फ्लॉपी ड्राइव्स जिसको हम कहते हैं, जिनके इनका जो सा एवरेज जो सा है वो तकरीबन 45 KB पर सेकेंड तक है। बी जो सा वो बड़ा, यानी किलो बाइट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जहाँ तक जो रिमूवेबल हार्ड डिस्क जो हैं उनकी जो तकरीबन जो सा जो डेटा ट्रांसफर रेट या थ्रूपुट जो सा वो 1.25 MB पर सेकंड या इससे ज़्यादा जो सी है वो पाए जाती हैं। कुछ ऐसी मैन्युफैक्चरर्स या एडवर्टाइज जो डीलर्स हैं जो
जब भी हम इसकी बात करते हैं तो उन्होंने उसके ऊपर मेगाबिट्स में या मेगाबाइट्स के अंदर उसके ऊपर लिखा होता है। तो हमें ये चीज़ लाजमी देखनी चाहिए। हम अगर सीडी रोम या हार्ड डिस्क हमें लगा अगर हम परचेज करना जा रहे हों, हम सीडी से हम डीवीडी की तरफ जा रहे हों, तो हमें ये चीज़ उसके ऊपर देखनी चाहिए कि उसका एवरेज एक्सेस टाइम और एवरेज जो थ्रूपुट है वो कितना अच्छा है। तो इसमें अगर इस स्लाइड में और कोई चीज़ इतनी अच्छी नहीं है, कोई अच्छी इतनी वो मतलब कमी, ये देखिए ये जो स्लाइड है इसमें बेसिकली बता रहा है कि एक तरफ आपकी ये बेसिकली इसमें बता रहा है कि ट्रांसफर रेट क्या होता है। ठीक है, तो एक तरफ सीडी रोम है, सीडी रोम से हम किसी मेमोरी डिवाइस में हम डाटा को मुंतकिल कर रहे हैं, तो 5 मेगाबाइट्स का जो इसका ट्रांसफर रेट है। और एक सीडी की अगर बात कर रहे हैं तो अगर ज़्यादा लगी तो 20 मेगाबाइट्स जो है वो आपका डेटा ट्रांसफर रेट हो सकता है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे खुदा हाफिज़।